अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हमेशा की तरह अपने घरों में बहुत खुश होंगे। और यहाँ जी हम रेडी हो रहे हैं, मोबाइल लेने जाना है क्योंकि हस्बैंड का मोबाइल ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे वो जोनेशो को रेडी कर रहे हैं कि हमने साथ लेके जाना है, पैक वगैरह कर दें क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। और हम जी सदर आ चुके हैं मोबाइल मार्केट में और हम उनसे रेट वगैरह कन्फर्म कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मोबाइल महंगे हो गए, बहुत ज़्यादा बहस के बाद हमने मोबाइल ले लिया और यहाँ से हम कवर ले रहे हैं। हमें लगा कि ये वो शॉप है जिसमें फ्री मिल जाएगा कवर, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत महंगे हैं कवर भी और कोई फ्री ही नहीं। और यहाँ पे जी हम हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया और यहाँ पर हम धो रहे हैं बर्तन ढेर सारे क्योंकि मैंने रात को नहीं धोए थे। आजकल गैस का इतना ज़्यादा इशू है कि बंदा रात को बर्तन नहीं धो सकता, तो यहाँ पर भी मैंने बर्तन धोए जल्दी से। बर्तन से फ्री होने के बाद मैंने और छोटे मोटे काम किए थे, लेकिन मेरा मेन मकसद था कि बर्तन धुल जाने चाहिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर बहुत ही स्लो मोशन में बर्तन धोए जा रहे हैं क्योंकि पानी ठंडा याक था और हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके थे और धोने ही नहीं हो रहे थे। और बर्तन जब ज़्यादा हों तो ऐसे भी टेंशन होती है। आप बताएं कि आपके लिए सबसे मुश्किल काम क्या है। हमारे लिए सबसे मुश्किल काम घर में जो है वो ये बर्तन धोने वाला होता है, क्योंकि ये कैसे होगा, नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर हम सारे मतलब फ्री हो चुके हैं काम वगैरह करके। यहाँ पर जी हम मैं गई थी अपनी जेठानी की तरफ, हस्बैंड भी वहीं, और ये यहाँ पे सेल्फ़ी लेते हुए फुल मोड में कि सेल्फ़ी कैसे आ रही है रोशनी में। और ये मेरा कल का सालन पड़ा हुआ था और ये चीज़ें थोड़ी बहुत पड़ी हुई थी, फिर मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बनाई, इन्हीं से हमने खाना वगैरह खा लिया था। यहाँ पर हस्बैंड अपना मोबाइल यूज़ करते हुए हमेशा की तरह शर्माते हुए कि कैमरे के सामने मैं क्या बात करूँ। ये मेरी बेटी प्यारी सी कैमरे के घुमा 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 के। और यहाँ पे नेक्स्ट डे जी हमारे फिर बर्तन स्टार्ट हो गए। ये बर्तन थे 7-8 में गूंद रही थी और 7 जी हमने रखे हुए थे गोश्त जो कि बनाया है। और आज जी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू था तो बिजली गई हुई है, UPS चल रहा है